हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी केक, जिसे हम विदाउट व्हिप क्रीम के बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/3 कप दही। ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक कि ये क्रीमी ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, तो मैंने 1/4 कप ली है। इसे हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल लिया है। ये रिफाइंड ऑयल है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। आप यहाँ पर गेहूँ के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिक्सचर हमारा ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गया है, तो बैटर बनाने के लिए हम इसमें मिल्क डालेंगे, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क डालेंगे। लगभग 1 कप के लगभग लग जाएगा, तो एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। थोड़ा थोड़ा करें और लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करें। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ना ही बहुत थिक रखनी है ना ही थिन, मीडियम कंसिस्टेंसी की रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क डालते जाएंगे और बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ बैटर हमने बनाकर तैयार किया है। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। आप यहाँ पर अपना मन चाह कोई भी एसेंस ले सकते हैं। यदि आप इस रेसिपी को चॉकलेटी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें एसेंस भी मिक्स कर दिया है। अब हम ले लेते हैं एक बेकिंग ट्रे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बेकिंग ट्रे में हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बटर पेपर से भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा लग चुका है। अब बैटर डाल देंगे। हम इसे कढ़ाई पर बेक करेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करके 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम इसे कढ़ाई पर बेक करेंगे। तो हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे इस तरह से स्टैंड रख के, और ऊपर से ढककर हम इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें रख देते हैं हमारा केक, और 15 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। 15 मिनट में आप एक बार इसे ज़रूर चेक कर लें। केक को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है बेक होने के लिए। तो इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो 15 मिनट में मैंने एक बार चेक किया था, तो थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने 5 मिनट के लिए और रख दिया था। तो 20 मिनट में हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। टूथपिक डालकर आप इसे चेक कर लें। केक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, जैसे कि हमारा ओवन में बनता है। तो एक टूथपिक डालकर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल क्लीन निकलेगी, ये देखिए। तो अब हम केक को बाहर निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। गरम केक को मोल्ड से बाहर ना निकालें, नहीं तो वो टूट भी जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो इसे ठंडा कर लेते हैं हम। ये देखिए केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। इस केक में आप आइसिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसे विदाउट व्हिप क्रीम के बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे घर पर व्हिप क्रीम नहीं होती है, तभी हम इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैं बीच से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कट ना करें, या जैसा चाहें वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए केक हमारा बीच से कट हो गया है। बहुत ही स्पंजी जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है ये। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एंड जालीदार। तो अब हमने यहाँ पर एक स्टैंड टाइप से ले लिया है, जिसमें हमने बेक किया था वही स्टैंड है ये। अब हम इसमें रख देंगे। आप चाहें तो इस केक को चॉकलेट गनाश से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चॉकलेट सिरप, क्योंकि हम इसे बहुत ही सिंपल वे पे डेकोरेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर चॉकलेट सिरप ले ली है। आप चाहें तो यहाँ पर अमूल की क्रीम को भी थोड़ा सा शुगर डालकर और इस तरह से आप ड्रिजल कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है।
अब इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप की जगह पर आप स्ट्रॉबेरी सिरप ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से हमने दूसरा लेयर भी रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे स्ट्रॉबेरी क्रस्ट। ये टोटली ऑप्शनल है, जैसा चाहें वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए सभी तरफ से हमने स्ट्रॉबेरी क्रस लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम ऊपर से चॉकलेट सिरप भी इसमें लगा देते हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल से जेम्स की गोलियों से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर मीठी वाली जो सौंफ आती है ना, उससे भी आप इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन पार्ट बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। तो सभी तरफ से ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा कलरफुल इसे करने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर हम थोड़े बहुत स्प्रिंकलर लगा देते हैं। जो भी स्प्रिंकलर हो आपके पास वो आप लगा दें। थोड़े बाद यहाँ पर मेरे पास हार्ट शेप के गोल्डन कलर के स्प्रिंकलर हैं, तो इसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ, जिससे देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही कम समय में घर में रखी हुई सामान से बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल फ्लेवर का बना हुआ केक। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।